राम जी के आगमन को लेकर कितनी खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे। जब लंका दहन हुआ तो उनका जितना धुआं था उनके शरीर पे लग चुका था। हनुमान जी का विकराल रूप भी है क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के 12वें रुद्र अवतार हैं। बाईस जनवरी को रामलला अयोध्या में अपने घर में पधारेंगे और उनको घर तक लाने का जो 500 वर्षों का जो राम भक्तों ने तपस्या किया है वो तपस्या सफल हो गया है और जिसकी खुशी पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है। जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी को और हनुमान जी का जो रंग है वो है लाल बजरंगी रंग। चोला चढ़ता है हनुमान जी को बंधन कलर के रंग से, लेकिन हनुमान जी का रंग काला है और इस काले रंग में ये हनुमान जी क्यों आए हैं और वो भी दिल्ली से, आइए हम जानते हैं। कैसा है हनुमान जी का गेटअप, कैसा चुना आपने? बहुत दुर्लभ रूप है बालाजी महाराज का जो कर्नाटका के अंदर है, वही रूप हमने लिया ताकि पब्लिक को पता लगे बालाजी महाराज का ये भी रूप था। इस गेटअप में आने के बाद कैसा फील होता है आप? काफी आनंदित लग रहा है इस गेटअप को आने के बाद कि जो हनुमान जी ने रूप लिया है वो पब्लिक को दर्शाना चाहते हैं। ये रूप बालाजी ने लिया था और आने वाले टाइम में बालाजी कलयुग के देवता है जो कि आज के युग में सुपरमैन पावर है। 22 तारीख को रामलला जी अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। सब की बात है, हमें गर्व है हमारे श्री रामचंद्र जी। इस जमाने की जो कुल पीढ़ी है, हमने सीरियस में राम जी को तो नहीं देखा, लेकिन इस जमाने की हम भाग्यशाली पीढ़ी है जो भगवान को अपने भवन में आते हुए देख पाएंगे। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान इस रूप में हमारे साथ स्वयं आ रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी के इस गेटअप को आपने कैसा चुना? हमें अच्छा लगा रूप सुनके क्योंकि हम सनातनीय हैं और भगवान की चर्चा हर घर में होनी चाहिए। लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे आपके इस गेटअप के प्रति, क्या कहना चाहेंगे उन राम भक्तों को जो आपके अंदर हनुमान देखते हैं? हम तो केवल एक छोटे शिष्य हैं बालाजी महाराज के, बस हम सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो दर्शा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, लव आर्ट गुरु। तो ये लव पूरा क्या नाम बोला? लव हार्ट गुरु दिल्ली। तो दिल्ली से आए हुए लव हार्ट गुरु जो हमारे साथ हनुमान जी के इस किरदार में दिख रहे हैं और इस भव्य रैली में शामिल होकर हनुमान जी की जो उपस्थिति है उसको पूरा कर रहे हैं और जो जितने लोग हैं वो हनुमान जी को लेकर। आपने ये काले रंग का ही ड्रेस क्यों चुना? और हमने काले रंग का ड्रेस इसलिए चुना कि कर्नाटका के अंदर हनुमान जी का ये रूप है और हिंदुस्तान में सिंदूरी हनुमान जी तो है ही, तो श्री राम जी को मनाने के लिए अपने पूरे शरीर पे सिंदूर मला था, ये रूप किसी ने नहीं देखा था। तो इस चीज को दिखाना भी जरूरी है कि हनुमान जी का विकराल रूप भी है क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के 12वें रुद्र अवतार हैं। जब काले हनुमान जी लंका में लंका जलाने के लिए गए थे तो उसके काले धुएं से हनुमान जी के शरीर पे, क्योंकि वो वानर का रूप लिए थे, जब लंका दहन हुआ तो उनका जितना धुआं था उनके शरीर पे लग चुका था, उस टाइम पे काली छवि उनके रूप पे आ चुकी थी, जिस प्रकार संगम में नहाते समय उन्होंने अपना शरीर धोया था। अभी हमने आपको काले रंग के हनुमान जी से बात करा, अब लाल रंग के हनुमान जी से बात कराते हैं। लोग आपको हनुमान जी मानते होंगे, देखते होंगे, कैसा लगता है आपको? बहुत ऐसे लगता है सरूर और बालाजी का अच्छा लगता हो तो दुनिया मुझे पूछती है, खुश होता हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मुझे सौभाग्य तो है ये काम करने का मौका है। राम जी के आगमन को लेकर कितनी खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे इससे ज्यादा। और पहले तो अपने दुर्ग भिलाई में कभी इतना बड़ा ऐतिहासिक टाइप नहीं हुआ था रैली जितना इस रैली में हुआ है।
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309161।